हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे किसी भी अपने एंड्रॉइड फोन में फिंगर लॉक को लगा पाएंगे। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास Redmi Note 9 Pro फोन है और इसमें आप कैसे फिंगर लॉक लगाएंगे, एकदम ये रियल वीडियो होने वाली है, कोई फेक वीडियो नहीं है। आप पहले पूरी प्रोसेस को देख लीजिएगा और आप विश्वास करिएगा कि ये रियल में प्रोसेस होने वाली है। आप यहां पर देख सकते हैं आपको कुछ इस टाइप का एंड्रॉइड फोन शो हो रहा होगा। जैसा कि आप पहले ये देख लीजिए कि ये हमारे पास Redmi Note 9 Pro है, इसमें साइड फिंगर है, आप यहाँ पर साइड फिंगर देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में साइड फिंगर प्रिंट है और स्क्रीन फिंगर प्रिंट नहीं है, तो कैसे आप अपने किसी भी फ़ोन में, किसी भी वर्जन के फ़ोन में स्क्रीन फिंगर प्रिंट लगाएंगे, तो उस प्रोसेस को देखिएगा ध्यान से, इस वीडियो को फुल देखिएगा। पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपको कुछ इस टाइप का रिजल्ट शो होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका फिंगरप्रिंट रहा, कुछ इस टाइप का फिंगरप्रिंट आप लगा पाएंगे जैसा कि आपने देखा। तो मैं इसे खोल कर दिखाता हूँ, आप यहां पर देख सकते हैं आपका फिंगरप्रिंट ओपन हो चुका है। तो चलिए आप पहले पूरी वीडियो की प्रोसेस को देख लीजिए। तो अब आप अगर अपने भी फ़ोन में इस टाइप का फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। तो सबसे पहले तो मैं फ़ोन को लॉक कर देता हूं, लॉक करने के बाद ऑन करता हूं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यूज़ फिंगरप्रिंट, लेकिन फिंगरप्रिंट यहां पर नहीं आ रहा है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि इसमें साइड फिंगरप्रिंट है। पहले तो अपने पासवर्ड को खोल देता हूं। उसके बाद आपको अपनी सेटिंग पर जाना है, सेटिंग पर क्लिक करिएगा और थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर आ चुके हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप भरोसा रखिए और आप बिल्कुल 100% फिंगरप्रिंट लगा पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीन लॉक पर क्लिक करिए, उसके बाद अपना पासवर्ड फिल कर दीजिए, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद टर्न ऑफ स्क्रीन लॉक पर क्लिक करिए, ओके कर दीजिए। फ्रेंड्स, तो आपको अपने फ़ोन में थीम्स को ओपन कर लेना है। जैसा कि आप यहां पर थीम्स देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक करिएगा। थीम्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको सर्च करना है RealX। RealX सर्च करने के बाद आप यहां पर सर्च पर क्लिक करिएगा और यहां पर आपको RealX Legacy नाम से वॉलपेपर मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करिए। यहां पर आपको प्रीमियम शो हो रहा होगा, आप पहले पूरी प्रोसेस देख लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा, कमेंट करिएगा कि आपको ये प्रोसेस ठीक लगी या नहीं लगी, आप लगा पाए अपना स्क्रीन फिंगरप्रिंट या नहीं लगा पाए, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। अब आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप प्रीमियम का ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको लोडिंग और वीडियो का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप वेटिंग ऑप्शन देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर डाउनलोडिंग का ऑप्शन शो हो रहा होगा और आपको ये वॉलपेपर डाउनलोड कर लेना है। तो पहले तो आप इस पूरी प्रोसेस को देखिए, आप 100% इस ट्रिक से अपने फ़ोन में स्क्रीन फिंगरप्रिंट लगा पाएंगे। तो यहाँ पर आप डाउनलोडिंग देख सकते हैं, पहले इसे आप 100% पूरा डाउनलोड होने दें। अब आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इंपोर्टिंग का ऑप्शन शो हो रहा होगा। उसके बाद अब आप यहाँ पर ग्रीन कलर में अप्लाई का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अप्लाई शो हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इधर उधर आप स्क्रॉल करिए और आपको आइकन से हटा देना है टिक का निशान, सिस्टम से, होम स्क्रीन से, और आपको सिर्फ लॉक स्क्रीन पर रहने देना है। उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको अप्लाइंग 200% ऑप्शन शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपका अप्लाई हो चुकी है ये ट्रिक। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपकी ये ट्रिक काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। तो अब आपको अपने फ़ोन को ऑफ कर देना है। फ़ोन को ऑफ करने के बाद आप अपने फ़ोन को ऑन करिएगा। ऑन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको फिंगरप्रिंट शो हो रहा होगा, आप इस पर क्लिक करिए और आप देख सकते हैं आपका फ़ोन ओपन हो चुका है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, तो मैं आपको फिर दिखा देता हूँ और आप अपने फ़ोन को ऑन करिएगा। ऑन करने के बाद आप फिंगरप्रिंट पर टिक करिए और आप देख सकते हैं कि आपका फ़ोन ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये एकदम वर्किंग ट्रिक होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि ये एक वॉलपेपर है और आप इस पर किसी भी उंगली से टच करेंगे, ये आपका ओपन हो जाएगा। इसमें कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं लगा हुआ है, ये सिर्फ एक वॉलपेपर डिज़ाइन है। तो आप इस पर इस उंगली से भी क्लिक करेंगे तब भी आपका ये ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी फुल प्रोसेस जिससे कि आप अपने फ़ोन में स्क्रीन फिंगरप्रिंट को लगा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।